एक बार फिर स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। केंद्र के नोटबंदी के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए हैं और उन पर सीधा निशाना साधा है। इसके खिलाफ शिमला में कांग्रेस पार्टी 23 जनवरी को आरबीआई कार्यालय के बाहर हल्ला बोलेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री से पूछा कि नोटबंदी के 70 दिनों के बाद भी लोग परेशान क्यों हैं? कितना काला धन बैंकों में वापस आया है और जो बेरोजगारी इससे बढ़ी, इसका जवाब कौन देगा? उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है और मोदी ने जो झूठे वायदे किए उससे पीछे हट गए। कांग्रेस पार्टी ने 2 जनवरी से नोटबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी हिमाचल 23 जनवरी को आरबीआई शिमला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी और मोदी की वायदा खिलाफी को उजागर करेगी। बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया देश पे नोटबंदी लागू करके। कांग्रेस पार्टी ने जो कंसर्न उस वक्त रखे थे कि 50 दिन के बाद आज 20 दिन और ऊपर हो चुके हैं, क्या देश के हालात बदले, क्या लोगों को अपना पैसा बैंकों से मिल रहा है, उस पर से जो बंदिश है वो हटी है? बिल्कुल नहीं। और साथ में मैं हमारे प्रदेश के जो 2 सीनियर नेता हैं, माननीय शांता कुमार जी और माननीय प्रेम कुमार धूमल जी, उन्होंने बहुत जबरदस्त ढंग से इसका समर्थन किया था कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और इसके बड़े बड़े अच्छे परिणाम आने वाले। आज हम कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से भी पूछना चाहती है इन दोनों नेताओं से कि आप बताएं 70 दिन के बाद कितना काला धन देश के पास आया है। ये एक जिम्मेवारी है, नैतिकता है। नरेंद्र मोदी जी तो बड़े नेता है, लेकिन हम इनसे पूछ सकते हैं कि आपको बताना चाहिए वो क्या आंकड़ा है, कितना काला धन देश के पास आया और आज क्या हालात है। कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा अभियान चला रखा था पूरे देश के अंदर नोटबंदी को लेकर और लोगों को जागृत करने का और इन फैसलों को लोगों तक पहुंचाने का। तो हमने पूरा 2 तारीख से एक पूरा कार्यक्रम बना था और 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और कुछ मिनिस्टर्स, MLAs और पार्टी संगठन के सभी लोग शिमला में जो RBI का ऑफिस है वहाँ धरना देंगे, 11:30 बजे प्रदर्शन करेंगे। हम एक चीज़ को जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पूरी देश की जनता को बताए कि इस फैसले के बाद कितना काला धन आया है, कौन से फायदा हुआ है लोगों का और क्या नुकसान हुआ है। ये विरोध कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी। शिमला को स्मार्ट सिटी के दूसरे चरण में शामिल करवाने के लिए कसरत शुरू कर दी है। शिमला को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करवाने के लिए नगर निगम शिमला ने शिमला स्मार्ट सिटी मिशन शुरू कर दिया है, जो 24 मार्च तक चलेगा और 31 मार्च को रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी जाएगी, जिसके लिए लोगों को फॉर्म बांटे जा रहे हैं और उनकी फीडबैक भी ली जा रही है। इसके अलावा अब नगर निगम शिमला जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव ले रहा है। नगर निगम के महापौर ने कहा कि शिमला अपने आप में सपनों का शहर है, जो स्मार्ट शहर के लिए अपनी पात्रता पूरी करता है, जिसके लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा, जिसके लिए 5 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक फेसबुक ऑनलाइन एवं मैनुअल रूप से बिजली, पानी, सीवरेज सहित 15 समस्याओं को लेकर शिमला के लोगों की फीडबैक ली जाएगी, जिसको लेकर नगर निगम ने शिमला की कई संस्थाओं के साथ मिलकर घर घर जाकर मुहिम शुरू कर दी है। इसे 31 मार्च को केंद्र को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला को स्मार्ट बनाने के लिए इसमें आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। आज जैसा कि आपको मालूम है, पिछली 5 जनवरी से लेकर नगर निगम शिमला जो है विभिन्न सेक्शंस जो इस शहर के नागरिकों के हैं उसके सुझाव जो है ले रहा है। हमने 10 तारीख से लेकर जो है विभिन्न हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, यहाँ पर जो सिटीजन फोरम्स है, जनता के संगठन है, उनके सुझाव जो हम ले रहे हैं। आज हमने जो है यहाँ पर DC ऑफिस के कार्यालय में जो है जो हमारे विधायक यहाँ पर है, जो शिमला नगर निगम की प्रीति के अंतर्गत जो चुने गए हैं उनको और विभिन्न कॉरपोरेशन और बोर्ड्स के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनको और यहाँ पर जो जिला परिषद के सदस्य हैं और जो जिला परिषद की चेयरमैन हैं उनको जो है आज स्मार्ट सिटी के सुझावों के लिए आमंत्रित किया था। तो इसमें काफ़ी चर्चा के बावजूद जो है काफ़ी बहुमूल्य जो सुझाव हैं वो आए हैं और हमारे अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी की प्रपोजल कैसे बननी है वो भी जो है यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया।
गया। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को जो है वो अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये जो शिमला शहर को स्मार्ट सिटी की प्रपोजल है, ये नगर निगम जो है इसको शिमला शहर के शहरवासियों के सुझावों के अनुरूप ही इसको जो है बनाना चाहती है। तो इसलिए आप जो हर स्तर पर नगर निगम जो कार्य कर रहा है, आप जो है इसमें भागीदारी करें। नगर निगम शिमला 1.5 लाख लोगों की फीडबैक लेने के लिए मुहिम तेज किए हुए है। लोग 15 मूलभूत सुविधाओं पर अपने सुझाव दे रहे हैं, जिसके तहत शिमला के भाजपा विधायक एवं कुसुमटी के कांग्रेसी विधायक ने भी नगर निगम को अपने अपने सुझाव दिए हैं। रखी गई मिशन स्मार्ट सिटी शिमला, इसमें जो सजेशंस मांगे गए हैं जनप्रतिनिधियों से और साथ में एज वेल एज पब्लिक से भी, इसमें क्योंकि 49 सिटीज़ जो हैं अभी सिलेक्ट हुई हैं उसमें स्मार्ट सिटी के लिए, जिसमें करीबन 1,000 करोड़ रुपए हर सिटी को मिलेगा, इसमें शिमला भी एक है। 49 सिटीज़ में से 20 सिटीज़ ही फाइनलाइज करेंगी, क्वालिफाई करेंगी। उसके लिए सजेशंस पब्लिक के भी चाहिए और हमारे भी चाहिए। इसमें इसके लिए आज मीटिंग थी जिसमें हमने सजेशंस दी है, जो एक मुख्य कारण है दुर्घटनाओं का कि अंडरग्राउंड केबलिंग पूरे शहर में होनी चाहिए, क्योंकि कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो लाइट जो है 6-6, 8-8 दिन जारी है, जैसे अभी हाल ही बर्फबारी में हुई, आइंदा ना हो। इसके लिए अंडरग्राउंड केबलिंग इलेक्ट्रिसिटी की भी और टेलीकॉम की भी, एज वेल एज जो इंटरनेट की तारें डलती हैं, आए दिन प्राइवेट कंपनीज जैसे ही मेटल होती है रोड वैसे ही खोदना शुरू कर देती हैं, वो बंद हो, और उसके लिए डकैत्स जो हैं हर एक सड़क पर लगे। ये शिमला स्मार्ट सिटी बने, हम उम्मीद करते थे कि ये पहले राउंड में होगा, लेकिन उस समय ये विभिन्न कारणों से नहीं हुआ। अब टोटल जो 109 सिटीज स्मार्ट सिटी में आनी हैं, उनमें कंपटीशन के लिए शिमला भी एक सिटी है, और टोटल लगभग 49 सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से 20 सिलेक्ट होनी हैं। शिमला एक अलग प्रकार की सिटी है, हिल स्टेशन है ये हिंदुस्तान का, अंग्रेज़ों की राजधानी रही है ये। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो लंदन से मिलता जुलता है, और यहाँ की जो पुरानी हेरिडिटरी बिल्डिंग्स थी वो भी लंदन के आर्किटेक्चर के आधार पर बनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश बिल्डिंग्स जो है उसमें से जल गई हैं। तो हमारा पहला तो इसमें जो है वो सुझाव मेरा ये है कि शिमला में सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की है, और उसमें पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हमीरपुर के बाईपास रोड पर एक भव्य मैरिज पैलेस और होटल बसंत रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले जैसे दिखने वाले बसंत रिजॉर्ट का उद्घाटन 21 जनवरी शाम 5 बजे से किया जाएगा, जिसमें पंजाब के मशहूर सिंगर मनकीरत विशेष रूप से अपनी प्रस्तुति देंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है कार्यक्रम के आयोजकों का इस कार्यक्रम और बसंत रिजॉर्ट के बारे में। नमस्कार हमीरपुर वालों के लिए, मैं हमीरपुर में बसंत रिजॉर्ट की ग्रैंड ओपनिंग के लिए कल मनकीरत औलख, इंटरनेशनल बैंड प्रत्यक्ष और फायर आर्टिस्ट जसी जी को कल हमारी ग्रैंड ओपनिंग पे वो आ रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि कल आप सब बसंत रिजॉर्ट की ग्रैंड ओपनिंग पे पधारें, धन्यवाद। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से फिर बारिश और बर्फबारी की उम्मीदें जताई जा रही हैं। विभाग के पूर्वानुमान के तहत पूरे राज्य में 25 जनवरी तक मौसम कड़े तेवर दिखाएगा। हालांकि प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग के तहत पूरे राज्य में 25 जनवरी तक मौसम कड़े तेवर दिखाएगा।
प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आगामी दो दिन मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर बारिश हिमपात की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जबकि 22 से 25 जनवरी तक प्रदेश में बारिश हिमपात होगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर फिर से हिमपात दर्ज किया गया है। केलांग में 4.0, कल्पा में 3.0 और उदयपुर में 2.0 सेंटीमीटर हिमपात आंका गया है, जबकि चंबा में 1.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ताजा हिमपात के चलते कल्पा केलांग में शीतलहर का प्रकोप और अधिक बढ़ गया है। प्रदेश के कल्पा केलांग व मनाली में न्यूनतम तापमान -0 में चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आंका गया है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक उछाल आंका गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 22 जनवरी से प्रदेश भर में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान मैदानों में गर्जन के साथ बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।